Yo guys, we are ready to leave. So right now is a 7:30 और मैं निकल रहा हूँ एक पहले से ट्रिक की ओर. आपको समझेगा इन सुन इन ब्लॉग में देखिए लोग. फिलहाल तो अभी आए हो स्टेशन में क्योंकि मेरे को पकड़ने की ट्रेन इधर से जाना है काका को मिलने सीउड. तो इधर से सबसे पहले ट्रेन पकड़े और सीउड चलते. अभी करते हैं इंतजार ट्रेन आने का. आई डोंट नो कब तक आएगी यार. 7:31 की है और अभी इससे 2 मिनट बाकी है. लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ काका है. काका क्या तो वी आर गोइंग टू द राइट नो काका के घर पे. इधर से कितने दूर है लोकेशन बताओ एक बार. 2 घंटा लगेगा इधर से रायगढ़ वो प्रॉपर रायगढ़ जो. एंड हाँ वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. मैं बना नहीं पाया वीडियो तो इधर फिलहाल तो अभी मैं पनवेल स्टेशन पर अभी के लिए आ रहा था क्योंकि मैं कोकर करने से इधर पनवेल आ चुका हूँ. अभी इधर से बस पकड़ के हमको जाना पड़ेगा. किधर का फॉर्म 5 ए काका एस्केलेटर के मज़े. हाय हाय मज़ा तो आ रहा है दोस्तों. इसमें क्या ही जड़े टाइप की सीढ़ी चढ़ना बाकी है काका. प्लान में चेंज है. बस से नहीं जाएंगे ट्रेन से जाएंगे क्योंकि काका बता दो क्यों. बस के इधर कितना चार्जेस है जाने को. 200 रुपये 3 घंटा तो जाएगा. हाँ ट्रेन से 2 घंटा ट्रेन से हम जाएंगे एकदम फुकट. पता ना भूल गया अभी इधर से हम पनवेल से ट्रेन पकड़ेंगे. किसकी ओर रोहा प्रोनाउंसिंग आई डोंट नो गाइस. आई एम राइट प्रोनाउंसिंग रोहा क्योंकि अगर गाँव है उधर सीधा ट्रेन जाते हैं. बस से जाएंगे तो 3 घंटे जाएंगे और 200 रुपये बस वाले लेते हैं और ट्रेन से जल्दी जाएंगे अभी मुफ्त में. समझ रहे हो. तो गाइस फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं. अभी जैसे रात को कुछ दिखा नहीं सकते तो सीधा उधर उतरते रोहा में. तो पनवेल से सीधा हम रोहा जा रहे हैं. रोहा के लिए बस भी मिलती है और ट्रेन भी मिलती है. समझ रहे हो. अब उधर उतरने के बाद बताएंगे क्या और क्या सीन. और ब्लॉग लाइक करना है. लाइक नहीं करते सर लाइक करो. जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अपने एंड वी आर इन नाउ GT स्टेशन. अपने अभी दिखी दे रहेगा और इधर दिखाने के लाइक कुछ नहीं रहा. अपने गपशप मार रहे दोस्तों के साथ. हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर. ट्रेन मूव हो रही है अभी. चलो अंदर चलते. और ये ट्रेन से मोबाइल बाहर निकलना है रिस्की. अभी ट्रेन रुकी थी इसलिए बाहर निकला मैंने. वी आर पेन राइट नाउ गाइस. वेदर से कावर में कितना दूर है और पेन आ गया अभी तक. एक्सपेक्ट किया कि बारिश गिरेगी लेकिन बारिश नहीं गिरी. आई डोंट नो व्हाई. राइट नाउ वी आर इन पेन. अभी इधर क्या मालूम कितनी देर का होल्ड है और कभी निकलेंगे भाई ट्रेन. अपने निकले भाई जो प्रेशर लगता है ना सतिंग धपक वो वाला हार्ड है. अलविदा पेन बाय बाय. क्या ही खतरनाक दिख रहा है ना. अभी ज़रा टाइम राइट में आ जाए 11:30 समथिंग. हमको तो अभी एक या आधे घंटे में उधर अपने डेस्टिनेशन में आ जाएंगे. समझ रहे. अचानक भाई ने प्लान बनाया आपके भाई ने और सफल हो चुका है. फाइनली आ गए अपने अपने डेस्टिनेशन पे. बारिश गिरी है बहुत लगता है. चलो उतरते हैं. गाइस फाइनली अपना आ चुके काका के घर पे. वी आर राइट नाउ वी आर फाइनली हियर रोहा इन धामन से काका के गाँव. और ये काका का घर है. जब आपको काका का घर देखा रात को काका के पापा अरे काका अरे काका की मम्मी और ओहो. दिस इज हाउ एग्जैक्ट ओल्ड रसोई घर इन
इंडिया दोस्तों प्लीज पूजा करते हैं। काका तो स्टार्ट हो गए मेरे से पहले। आ काका काका को भूख लगी। अब उन भी खाते हैं अपना मिल एंड देन मिलते हैं। यस खाना बिना हो खा के हो चुका एकदम पद्दचूर डन। तो राइट नाउ अपन है काका के इधर। काका का पीछे घर सुबह दिखाएंगे और मेरे पीछे का बैकग्राउंड इज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल है, सुबह ही दिखाना पड़ेगा। एंड हाँ इधर का प्लेस भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर लाइक इधर तक ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इज इम्पोर्टेंट। और सुबह मैं एक्सप्लोर करूँगा ये जगह ऐसे क्या है हो पाया, तो क्योंकि मैं ऐसे जगह पर घूमने आया हूँ। काका की मम्मी हर बार डांट रही मुझे क्या कर रहा है। इवन आई डोंट नो मैं इसमें दिख रहा है क्योंकि बैक कैमरा ऑन करके मैंने फ्लैश ऑन कर दी और पीछे का व्यू कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज इधर है ना झाड़ है उस पर ना कुछ तो चमक रहा है, काजू कॉकरोच चमक रहे ना समझ जा। चलो कल मिलते, बाय बाय गुड नाइट। कल आपको दिखाते एकदम प्यारा सा व्यू।